पानी पीने वाले सुना बोल, वहीं जल छोड़ दिया, चारों तरफ लगाया, पानी पीने वाले। हे महाराज, आप कौन है? मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरा नाम यक्ष। इस इतिहास में इसको यक्ष युधिष्ठिर संवाद का नाम दिया जाता है। आप यक्ष हैं? मेरा नाम यक्ष है और ये तालाब है ये मेरा है। ये तालाब आपका है? हाँ। हे महाराज, मैं जल ग्रहण करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। ऐसी इच्छा लेकर तेरे से पहले ये चार मूर्ख प्राणी भी आए थे। ये मूर्ख प्राणी नहीं है, मेरे चारों मेरे भाई हैं, मैंने भेजा था इनको। ये तेरे भाई हैं? ये मेरे भाई हैं। ऐसे ही मैंने इनको आवाज दी थी। ठीक। इनसे मैंने कुछ सवाल करने के लिए बोला। ठीक। लेकिन मेरी बात को अनसुना करके इन मूर्खों ने इस जल को हाथ लगाया और जो ही मुख की तरफ किया इनका ये हाल हुआ पड़ा है। ओहो, तो इनका नतीजा, इनका जो परिणाम है, हाँ, उसका ये कारण है। जी, मैं क्या कर सकता हूँ? पानी पीने की इच्छा से आए हो? जल पीने की इच्छा से आया हूँ। इस तालाब का जल पीना चाहते हो? हाँ, जल पीना चाहता हूँ। मेरे कुछ सवाल है, उनके सही सही जवाब देने होंगे। एक भी सवाल का जवाब अगर गलत हुआ तो यही हाल आपका भी होगा। सकरा गया, सकरा गया धर्मपुत्र। अर्थन्य महाराज, आप यक्ष हो, देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, मेरा आपको प्रणाम है। जहां तक मेरी बुद्धि काम करेगी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। इस हरियाणा की संस्कृति में अब तो और भी बन गए भजन, ना तो एकमात्र ये भजन था अपनी अलग तरीके का, जिसके और बतेरे सवाल जवाब हैं। एक कली में सवाल एक में जवाब, एक लाइन में सवाल एक में जवाब, ये ऐसा भजन है। उसी लाइन में सवाल, उसी लाइन में जवाब, एक अनूठी अपने प्रकार की रचना है। यक्ष सवाल करता है, धर्मपुत्र जवाब देता है। क्या दर्शन? जवाब खरा होगा, ओ मेरे प्रश्न का उत्तर देना, जो हाल होगा। ओ प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, तो जवाब खरा होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देना, जो हाल होगा। ओ प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, जवाब खरा होगा, यो है हाल तेरा होगा। और प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, तुरंत जवाब खरा होगा। क्या दे सकते हो? बोलो महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि काम करेगी मैं जवाब दूंगा। सुनिए, बोलिए। एक सवाल जवाब सुनना सजनो, आजीवन मानस मरे इतना डंग डंप काम आने वाली बातें हैं, नकली सवाल जवाब नहीं है। अगला खिड़की खोल देर मन बैठा ले, टोचन करवा देर तेल गला ले, वो नहीं है। श्याम परिवार की तरफ से 200 रुपये और दिए, बार बार धन्यवाद। बनी करी मैं
बता। पिता का नाता कहते हैं वायु से कलंक एक चीज क्या ये मन चला जाता कहते हैं क्या नाम बताया था आपने अपना? ये महाराज युधिष्ठिर मेरा नाम है, ये दुनिया मेरे को धर्मपुत्र कहती है। ये दुनिया आपको धर्मपुत्र कहती है? हाँ महाराज, मैंने भी सुना था कि इस धरती पर कोई धर्मपुत्र भी है। आपने भी जरूर सुना होगा। मैंने सुना था, लेकिन अब तक जो सवाल मैंने किए हैं महाराज सही जवाब आप दे रहे हो, धन्यवाद। लेकिन एक सवाल मेरा ऐसा है, बोलो महाराज। मेरे मन में बार बार एक चीज उमड़ती है, एक सवाल उमड़ता है कि ऐसे जीव का नाम बताइए जिसकी जल में भी आंख हो। जल में? जल में ये महाराज ऐसा तो एक ही जीव है। कौन सा? जिसकी निद्रा में भी आंख खुली रहती है। निंद्रा में और जल में भी? और जल में भी आँख खुली रहती है। कौन है? ओ ये जल में खुल जा आँख नींद की, वो जल में खुल जा आँख नींद की। पर गलत मेरा होगा, गलत जवाब मेरा होगा, ये प्रश्न का उत्तर दे दे, यो हाल तेरा होगा। आदरणीय बुजुर्ग ने 100 रुपए से आशीर्वाद दिया, बार बार प्रणाम। भाई ने 100 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मुझे लगता तो है कि आप बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मेरे सवाल ऐसे ऐसे हैं जिनके जवाब आप दे नहीं पाओ। महाराज मैं उल्टा नहीं हटता, ये मेरी खासियत है। एक सवाल मेरा ऐसा है जो आज तक मैंने जिससे भी किया उसका जवाब कोई नहीं दे पाया। ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं महाराज जो मैंने दिए हैं जवाब, और मैं कोशिश करूंगा आपका भी जवाब दे। सुनिए भला, सवाल दिल बिन, दिल बिन जिसमें दिल ना हो, जिसमें दिल ना हो, जिसको लोग कह देते हैं कि ये तो उसके समान है, उसके समान है, जिसमें दिल ना हो उसके समान है। कौन होता है वो? ओ दिल बिन जी पता के हो, दिल बिन जी पता के हो, दिल बिन पत्थर हुआ कर मुसाफिर का, जो साथ मुसाफिर वो याद रहे। साथी कौन क्या रसती का, जब तेरी याद न घर हुआ करे, जो अमृत लोक में साथ रहे, इस कर्म ही मित्र हो या करे, अमृत लोक में इस कर्म ही मित्र हो या करे। ऐसा कर्म करया होगा, बस कर
रखे हैं जो युवाओं के सुनने के लिए है। चारों भाई आपके मूर्छित पड़े हैं, पांचवे आप आए हो, युवा हो, युवा अवस्था में हो, जवानी है हमारा। ऐसे ही मेरे सवाल है, सुनिए वाला बताओ। श्याम परिवार की तरफ से 200-200 रुपए का इनाम और दिया गया। बार बार क्या बात है, कितना अद्भुत सवाल है। बिल्कुल न्यूकसम मन काबू में कब रहता, बताओ किसका रहा है। किसी का किसी से सवाल नहीं, खुद का खुद से सवाल है। पब्लिक से बता सकता है कोई? खुद का खुद से सवाल है। न्यूकसम विद्वान लोग तो एक बात कहते हैं, जो अपने को साधने में लग गया है वो कमजोर आदमी है। वो के कर आज पाछा नहीं करूंगा, कान काट लागी है, मौका मिलते हैं फिर खखाट ठा दे है, फिर निकलते आज पाछा नहीं करूंगा, फिर आठ ला ले है, फिर खखाट ठा दे है। वो कमजोर आदमी है जो खुद को साधता है। मां गुरुजी फिर मजबूत कौन है? बोले मजबूत आदमी वो है जो फैसला लेता है, जो काम छोड़ दिया दैट सोल, फिर जकर नहीं होगा। सवाल है मन काबू में कब रहता। एक महाभारत के इतिहास में दादा ने जिक्र भी किया है, जब कीचक द्रौपदी पर मोहित हो गया और उसकी बाण ने बोली, रे कीचक तू राजा है, ये दासी है, तेरे इसका मेल नहीं है। कीचक ने बोला, ये मन डटता कौन है, मन डटू हूं रोज बा तेरा। वहां द्रौपदी के माध्यम से कहा, निबली रे के कैसे डटता कौन है, मन डटता कौन है, निबली रे ज्ञान के अंकुश से मनवा मर भी तजास है, तू डटन की कैसे, मन तो मर जा पर उस पर ज्ञान का दृढ़ अंकुश हो। कोई जवाब है, क्या कहना चाहते हो? बोलो महाराज। ओए मन काबू में कब रहता, मन काबू में कब रहता। अरनाद न्यू बता दे भाई, त्याग क्या न कहे हैं, स्वाद तो आया है घर, दारू पीने में भी आओगा, चाउमीन खाने में भी आओगा, और राजभवन में भी आओगा, स्वाद तो आएगा, फिर त्याग क्या न कहे हैं, त्याग की डेफिनेशन क्या है। ओए मन काबू में कब रहता, मन काबू में कब रहता, चुनने का चलन का बंदा हो, मित्रता में बंद कैसे हो, जहां विषय वासना का धंधा हो, मृत लोक में मिले बुराई, जो कर्म मनुष्य का गंदा हो, इस मृत लोक में मिले बुराई, जो कर्म मनुष्य का गंदा हो, जन्नी दुश्मन कौन मनुष्य का, जन्नी दुश्मन कौन मनुष्य का, जो गुस्से बीच घरिया होगा वो भाषण करे युधिष्ठिर वाला, जवाब भरिया होगा ते भाषण करे वो हाथ ना होगा, वो भाषण करे युधिष्ठिर वाला, ओ या बेरखिया thank you।
आपके से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओए संकट में करो मदद कोनी, संकट में करो मदद कोनी, जो साहस करे काम करे, सुखी कौन जगत में हो, जो शुभ कर्मों पे ध्यान करे हो, तुम्हारे आश्रज बता दिया रे लोगों, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सात आश्चर्य सात अजूबे, यो सुनो अजूबा सबसे आश्चर्य क्या, सबसे आश्चर्य क्या, मरना चाहे जरूर मरे भाई, तेरा भाई तेरा भाई मांग ले दे दूं, और मत ना ज्यादा फिक्र करे भाई, ये मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। हे धर्मपुत्र, जितने भी मैंने सवाल किए हैं हमारा, मुझे लग नहीं रहा था कि आप मेरे सवालों के जवाब दे दोगे हमारा, लेकिन जैसे जवाब मैं चाहता था वैसे जवाब आपने दिए हैं। आप मेरे जवाबों से संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट हूँ और खुश भी हूँ। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, एक एक। हे महाराज, ये चारों नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हे महाराज, धर्म तो ये है कि मेरे चारों भाई बचे। बिल्कुल भी नहीं। आपने मेरे को धर्म संकट में डाल दिया है, चार में से एक। मैंने आपको धर्म संकट में डाल दिया, ये बात आप समझ चुके हैं, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ये दुनिया आपको धर्म पुत्र क्यों कहती है? एक जीव का? बिल्कुल, चारों में जीव है। अपनी बुद्धि का परीक्षण दीजिए, बोलो रे कौन सा जीव का? जीतू का तो गैस मन रहा कि काम का घूम रहा है। बोल बोली बत, बोलो कौन सा का जी? एक जीव का महाराज। बिल्कुल एक जीव का। मेरा छोटा भाई नकुल बख्शते, छोटा भाई नकुल बख्शते, हट के चमना हरिया होगा, पैसे करो जिसने बोला हरिया होगा, मेरे प्रसन्न का तेरे हरिया होगा, प्रसन्न करो जिसने बोला जवाब खरा होगा, भी हंसते हैं कभी रोते परिवार की तरफ से 200-200 रुपए का इनाम और दोनों भाइयों को पार्टियों को दिया गया, बार बार धन्यवाद। मुझे पता था धर्मपुत्र कि मैं सवाल कर रहा हूं और जवाब भी ठीक देने लग रहे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये धर्मपुत्र भी मूर्खता दिखाएगा। जय हो। आपको संदेह है या भी कोई फिरकी है? इसमें कोई संशय वाली बात भी नहीं है। मेरे से मेरे जो सवालों के जवाब देकर आपने मेरे मन को प्रसन्न किया, लेकिन मेरे मन में ये बात भी पैदा कर दी कि जिसको यह दुनिया धर्म पुत्र कहती है वो इस धरती का सबसे मूर्ख इंसान है। जय महाराज, ये सही है, मैं धरती का सबसे मूर्ख इंसान हूँ। पर आप सब सवालों से संतुष्ट हो? बिल्कुल, लेकिन इससे नहीं। अंदाजा कहता है कि आखिरी प्रश्न से आप संतुष्ट, लेकिन इससे नहीं। जो ये कहा, मैंने एक भाई को जीवित करने के लिए कहा, हमारा आपने वो मांगा जो किसी काम का नहीं है। नकुल को मांगा, वो किसी काम का नहीं है। वो काम का नहीं है? क्यों नहीं है वो? क्यों नहीं है वो? सुनिए क्यों नहीं है। सुनाओ महाराज, क्या होने वाला है आपके जीवन में? क्या होने वाला है महाराज? सुनिए सुनाओ। ओए अर्जुन योद्धा,
द्रौपदी भी ओए अर्जुन योद्धा तने युधिष्ठिर तू क्यों कर काम चला लेगा यो बाल भी उठ रहे इसके ठीक है जान भीम बली यो भीम बली भी ना मंगया इस घतान को उठाएगा मां भारत की छड़ा लड़ाई तख्त धरण कहा लेगा जब आवेंगे यात्रे तो क्यों कर दे समझा लेगा जब आवेंगे मौका और दूं तू अटके कपे फिर सोच ले अटके कपे फिर सोच ले पेटा नहीं भरया होगा बोल करो युधिष्ठिर बोले तो जवाब भरया बेबसर का उत्तर देना धर्म धर्म का रंग रूप नहीं है सजनों धर्म स्थूल नहीं है कि न्यू हाथ फेर के न्यू देख लियो धर्म है मठ जी मीठा ये धर्म नहीं है धर्म हर पल है हर पल आड़े भी है गरा भी है एक पुत्र का धर्म एक पिता का धर्म एक माँ का धर्म एक भाई का धर्म एक दोस्त का धर्म आड़े भी है एक प्रचारी का धर्म एक सुनने वाले का धर्म लेकिन धर्म पुत्र धर्म को तचने से क्या होता है धर्म हर पल है अर्जुन न्यू कई धर्म पुत्र ने मेरा छोटा भाई नकुल बगस दे अटके से मना रहा होगा फिर की गिर दी न्यूला रहो ऊत आग लड़ाई छड़ेगी इसमा का के काट डगा तू महाराजा आपने क्या कहा बोल के बताओ गली अर्जुन योद्धा बिना युधिष्ठिर अर्जुन योद्धा बिना युधिष्ठिर तू क्यों कर काम चला लेगा ठीक बात यो भीम बलि भी ना मांगा इस गदा ने कौन उठा लेगा बहुत अच्छे थारी माँ भारत की छड़े लड़ाई जब तकत धरण का हाल लगा ये जब आवेंगे याद तेरे तू क्यों कर दिल समझा लेगा और एक बार तू फिर सोच ले अरे तू फिर सोच ले जे तेरा बेटा नहीं भरा होगा हाँ महाराज हाँ इसमें भी मेरे को कुछ पर्दा लगता है मन क्यों मांगा ना कुल क्यों मांगा सुनो मेरी बात सुनो ये बोला संदा की क्यों रह जाए अर्जुन भीम मेरे मजा चोट काल से जागा नकुल यो नकुल वीर मेरी मौसी का और मैं कुंती का रह जागा नकुल वीर मेरी मौसी का मैं कुंती का रह जागा हमारा ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो महाराज ये दुनिया आपको पांच सगे भाइयों के नाम से जानती है हाँ महाराज ये हमारा प्रेम है महाराज इस बात को थोड़ा सा खोल के बताओ मैं आपको बता दूं महाराज हम दो माँ की संतान हैं तीन हम कुंती के ये दो माद्री के पांडव पुत्र कहलाते हैं पर दो माँ की संतान है और यहां भी ये धर्म की ही परीक्षा है महाराज जी नकुल वीर मेरी मौसी का मैं कुंती का रह जागा नकुल वीर मेरी मौसी का और मैं कुंती का रह जागा श्री कृष्ण चंद करे पास गुरु ने श्री कृष्ण चंद करे पास गुरु ने जब सर्प पे हाथ धरा होगा Come on, 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 come on,